नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ए है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज पर हादसे में दो लोगों की मौत। कश्मीर में लश्कर कमांडर समेत 6 आतंकवादी ढेर। कांग्रेस नेता सीपी जोशी ने बयान पर माफी मांगी। पाकिस्तान के बाजार में विस्फोट, 30 लोगों की मौत। राष्ट्रपति कोविंद और अमरिंदर करतारपुर कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। $62 से नीचे आया ब्रेड क्रूड। ट्रंप ने अमेरिका और मेक्सिको सीमा बंद करने की धमकी दी। WTO रिपोर्ट के अनुसार G20 अर्थव्यवस्थाओं से आयात नियामक उपाय बढ़े। बैडमिंटन में सैयद मोदी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में अश्विन और सात्विक। सलमान खान ने अरुणाचल प्रदेश में किरण रिजिजू संग साइकिल चलाई। गोवा में बिहार महोत्सव शुरू, शारदा सिन्हा के लोकगीत ने मोहा मन। ट्रंप ने कहा कि खशोगी की हत्या के लिए CIA ने क्राउन प्रिंस को जिम्मेदार नहीं ठहराया। प्रियंका और नीक ने दिल्ली में परिवार संग थैंक्स गिविंग का जश्न मनाया। ट्विटर ने कट्टर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता पर लगाया प्रतिबंध। राहुल ने कहा कि देश में युवाओं और किसानों का बुरा हाल।